करो मेरे
स्वामी जी महाराज ने कहा, नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चुना। जिसको आदेश होता है वही नाम को देता है, उसी में ताकत आती है, उसी में ताकत आती है। बताओ ना, एक कौन राजा एक महात्मा जी के यहाँ गया, आश्रम पर पहुंचा। महात्मा जी तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल तैयार ही थे, सत्संग करने के लिए जाना था उनको। तो कहा, भाई राजा साहब को बैठाओ, पानी पत्ता पिलाओ, भोजन इनके रहने का इंतजाम यहाँ कर लो। बोले, नहीं महाराज, हम तो कुछ आपसे सीखने जानने के लिए आए हैं। बोले, भाई हमारी तो पूरी तैयारी बन गई और हम लेट कहीं होते नहीं, समय से पहले पहुँचते हैं, तो हमको तो जाना है। कहा, नहीं महाराज, हमको कुछ बता दो। बोले, राजन आपको क्या बता दूँ, आप आए हो, आपका सम्मान है, इज्जत है, लेकिन समय की कीमत होती है। समय गए उनका पछताने, समय निकल जाने के बाद फिर वापस नहीं आता। जिस तरह से मुंह से यानी जबान से कोई चीज निकल गई फिर वापस नहीं आती है, जिस तरह से तीर निकल जाता है धनुष से वापस नहीं आता, उसी तरह से समय फिर वापस नहीं आता है। समय की कीमत राजन लगाना चाहिए, तो हमको तो जाना है। बोला, नहीं महाराज, बहुत बड़ी इच्छा लेकर, बहुत बड़ी आशा लेकर आया हूँ, हमको आप बता दीजिए, शंका का हमारे कोई समाधान कर दीजिए। बोले, देखो राजन, मैं सत्संग करने जा रहा हूँ और वहाँ मुझे समय लगेगा, जब मैं लौटूंगा तो आपके यहाँ आऊँगा और आप
जो कुछ भी बात करोगे मैं उसका जवाब दूंगा, जो पूछोगे जवाब दूंगा, सब आपको बताऊंगा। राजा बोला, नहीं महाराज, कुछ तो बता दो। महात्मा जी ने कहा, चलो क्या बता दें, अपने मन में सोचा क्या बता दें, जो आसानी से अब बोल ले जाए, कह ले जाए, जो ज्यादा प्रचलन में है नाम वही बता दो। कहा, चाह जाओ राम राम जपना, तुम राम राम जपना एक घंटा बैठ करके सुबह शाम जाओ। और इतना कहकर महात्मा चले गए। राजा ने सोचा, कहा राम राम तो जपते जपते जिंदगी बीत गई, और राम नाम से तो उतना ही मिला, हम तो सोच रहे थे और कोई नाम मिल जाता। नाम लिया तो बहुत सुंदर सुखा ही नाम लेते, बहुत सागर सूखने वाला नाम मिल जाता, वो नाम मिल जाता। राम न सकहि नाम गुण गाई, कह न करो मैं नाम बढ़ाई, राम भी जिस नाम की महिमा को नहीं समझ पाए, मैं तो वो जानने के लिए आया था। लेकिन ये तो बस तड़का भी है, जैसे छोटे बच्चे को टॉफी कोई पकड़ा दे, लेमन जूस पकड़ा दे, कोई चीज खाने को दे दे, उसी में मस्त हो जाए जिस कर रहा हो। तो इन्होंने तो पकड़ा दिया, इसे चला गया निराश होकर। महात्मा अपने वादा के पक्के होते हैं, वादा खिलाफी कभी भी नहीं करते, कभी भी कुछ धोखा नहीं देते। यह जरूर है कि महात्मा को देख करके, महात्माओं की गतिविधियों को देख करके शंका आदमी को भले हो जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही महात्मा रहते हैं, आत्मा तो महान रहती है लेकिन शरीर वही रहता है। यही दुनिया का अन्न खाना, पानी पीना, लैट्रिन पेशाब मनुष्य जैसा ही रहता है, इसलिए शंका हो जाए आदमी को, लेकिन धोखा किसी को नहीं देते महात्मा। पहुंचे, जब सत्संग खत्म हुआ तो वहां गए तो राजा उठ करके आए और स्वागत किया, सम्मान किया। महात्माओं की बड़ी इज्जत होती थी, गृहस्थ तो इज्जत करते ही करते थे, राजा लोग भी इज्जत करते थे, क्योंकि महात्मा का जो उपदेश होता था वो सबके लिए अच्छा होता था, फायदेमंद होता था, सबको जो भी बात बताते थे सबके लिए बताते थे। क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं भले बाल बच्चे वाले रहे हों लेकिन उसमें लिप्त नहीं रहते, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो उससे दूर रहते हैं, उनसे उनका लगाव प्रेम नहीं होता है। अपने गुरु महाराज की बात बता रहा हूँ, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज प्रेमियों गृहस्थ थे और उनके बच्चे थे, लड़के थे, लेकिन अपने लड़कों से उतना प्रेम नहीं करते थे जितना प्रेम गुरु महाराज से वो करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये भजन करते थे, ये उनके आदेश का पालन करते थे। अब बाकी करते रहे हो न करते रहे हो भैया ये तो वो जाने, दादा गुरु जी महाराज जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गुरु महाराज पूरे आदेश का पालन करते थे इसकी जानकारी तो पक्की है मेरे पास, ये आपको बता सकता। तो उनसे ज्यादा प्रेम करते थे, तो वो जो भी करते हैं सबके लिए करते हैं। परमारथ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबहु ने फल बकाए, नदी न संचयनी, जैसे पानी स्वयं नदी अपना नहीं पीती है, पेड़ फल अपना स्वयं नहीं खाते हैं, ऐसे संत किसी एक के लिए नहीं आते हैं, सबके लिए आते हैं। तो सम्मान लोग करते थे, इज्जत करते थे, बड़े बड़े राजा लोग होते थे, राजगुरु बनाते थे, आप समझो जैसे राजवैद लोग हुआ करते थे, राजा का इलाज करते थे, राजा का सेनापति होता था, लड़ाई के मैदान में करता था, योजना बनाता था, संभालता था, राज्य की रक्षा करता था, प्रजा की रक्षा करता था, उसी तरह से गुरु होते थे, जो उपदेश करके बताते थे, जनता को समझाते थे, राजा को समझाते थे, राज धर्म का पालन किस तरह से किया जाए और राजा के राज्य में रह करके किस तरह से उस राज्य के सम्मान को, उस देश के सम्मान को, इज्जत को बरकरार रखा जाए, बनाए रखा जाए, इन सारी चीजों को समझाते थे। तो सब सम्मान करते थे, सब इज्जत करते थे, तो राजा इज्जत किया और ले गया बैठाया, और बैठाया तो महात्मा जी ने कहा, तो भाई देखो मैंने वादा अपना निभाया और मैं तो आपके यहाँ आया, अब ये बताओ कि राजन, ये बताओ कि राजन, मैं जो आपको बताया था उससे आपको कुछ फायदा हुआ?
महाराज क्या बताया था आपने? अरे आपको नाम जपने के लिए बताया था। बोले महाराज जो नाम आपने बताया उसको तो मैं बहुत जपता रहा, पहले भी जपता रहा, मैं क्या उसको जप, उससे तो जो फायदा हुआ वो फायदा तो मैंने देखा अनुभव किया, अब और आगे क्या फायदा दिखाई पड़ता और क्या शांति सुकून हमको मिलता। मुख्य रूप से जो शांति नहीं मिल रही थी वो तो अभी अशांति बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है। रोज सुबह लोग उठ करके भगवान का नाम लेते हैं, मैं रोज सुबह उठ करके राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी, कोई पड़ोसी राजा हमला न कर रहे, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, मैं तो अभी परेशान हूँ महाराज जी। तब कहे देखो तुम बात को मानी नहीं, तुमको मैं राम नाम ही बताया था, राम नाम ही तुम जपते रहते, राम नाम जपते रहते तुमको जपने के लिए ही बताया था, परेशानी दूर होने के लिए ही मैंने तुमको बताया था, तो तुमने किया क्यों नहीं? बोले महाराज हमको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि बहुत लोगों ने, हमारे माता पिता ने बताया और जितने भी लोग रहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब वही बोल रहे हैं, हमारे राज दरबार के लोग भी वही नाम बोल रहे हैं जो आप भगवान का नाम बताए। अरे बोले मैंने आपके लिए कहा था और आपने नहीं। बोले महाराज मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। महाराज विश्वास नहीं होगा तब तक कैसे कैसे उसको हम जपेंगे और कैसे बोलते, विश्वास नहीं हुआ। तब बोले अच्छा तो हम बताते हैं। तब बोले कि राजा जो है बैठे नहीं महाराज, खड़े ही थे, खड़े खड़े ही से सवाल जवाब हो रहा था। बोले सवाल का जवाब देना रहेगा इनको, तो समझ में नहीं आएगा, किसी के कोई बार समझ में ना आए तो कैसे करेगा वो, और करेगा नहीं तो मिलेगा नहीं, करने वाले को ही मिलता है। सब कुछ इस दुनिया में है, संसार में है, सकल पदार्थ है जब नहीं, कर्महीन लगता उतना ही, जो कर्म नहीं करता उसको कहाँ से मिलेगा, जो मजदूरी नहीं करता मजदूरी कहाँ से मिलेगी, दुकान नहीं खोलता है तो कहाँ से बिक्री होगी, पैसा कहाँ से आएगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर नहीं जाएगा नौकरी पर, तो ऐसे ही समझ लो। तो कहा कि आप राजन मेरा हुक्म मानोगे? बोले मानेंगे। तो कहा आप हथकड़ी मंगाओ, दो हथकड़ी मंगाओ, नहीं हथकड़ी मंगाओ, ये हथकड़ी जानते हो ऐसे बांध देते हैं, रस्सी समझ लो, हथकड़ी समझ लो, हथकड़ी ऐसी होती है खुलती नहीं जल्दी, उसमें चाबी लगती है, तो हाथ में इसे पहना देते हैं और फिर चाबी लगा देते हैं, चाबी लगेगी तब खुलेगा निकलेगा। अब जैसा मोटा पतला हाथ होता है वैसे रस्सा उसमें घुमा देते हैं, बांध देते हैं कि निकल ना पाओ जल्दी। तो कहा हथकड़ी मंगाओ, मंगा लिया हथकड़ी राजन। तो कहा राजन आप थोड़े समय के लिए अपना अधिकार मुझे दे दो, मुश्किल से 30 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए। बोले ठीक है, दे दिया अधिकार। कहा देखो सिपाही और ये सब, अब हम आधा मिनट के राजा बन जाएंगे, आधा मिनट के राजा, आधा मिनट के राजा। राजा ने कहा ठीक है, दिया अधिकार आपको आधा मिनट। सिपाही से कहा राजा को हथकड़ी लगा दो। अब सिपाही खड़ा है हथकड़ी दिए हुए, और राजा ऐसे खड़े हैं, महात्मा कम मुझे देख रहे, सिपाही कम मुझे देख रहे, सिपाही महात्मा कम मुझे देख रहा, राजा कम मुझे देख रहा है, हथकड़ी नहीं लगा रहा है। फिर महात्मा ने कहा अरे सिपाही लगाओ हथकड़ी राजा को। फिर वो खड़ा है, अरे देखते क्यों, राजा को हथकड़ी लगा दो। कुछ नहीं, कोई हरकत नहीं। राजा सोचा भाई खड़ियंत्र न हो कि हमको हथकड़ी लगा करके जेल में ठोस दें और ये गड्डी पर बैठ जाए महात्मा। तो राजा को आ गया क्रोध और राजा को शंका हो गई कि कहीं ऐसा न हो जेल में बंद कर। राजा ने कहा अरे सिपाही महात्मा को लगा दो हथकड़ी। दौड़ करके आया सिपाही और महात्मा के हाथ में हथकड़ी बांध दिया। ठट्ठा ठट्ठा के हंसने लगे महात्मा जी। तो हथकड़ी लगाने से यानी लोग दुखी होते और हथकड़ी तभी लगती है जब किसी को बंधक बनाया जाता है, तो वो तो हंस रहे हैं
महात्मा हंस रहे। तब राजा बोला, राजा सोचा बुद्धिमान होते थे राजा लोग, क्योंकि स्वर्ग और वैकुंठ से जो जीव छूट जाते हैं, नीचे उतारे जाते हैं, कर्म अच्छे बन गए तो स्वर्ग वैकुंठ में भेज दिए गए, और जब वहाँ का पूरी उनका खत्म हो गया तब पूरी छेड़े मृत्यु लोग के, तो राजा महाराजा के यहाँ ही जन्म ले लेते हैं, वही राजा बन जाते हैं। मेहनत कम करनी पड़ती है, खाने पीने रहने सुविधा अच्छी रहती है। तो राजा बुद्धिमान था, राजा ने सोचा भाई राज है कोई, महात्मा की बातों में बात जैसे कहा गया है, जो केले के पात के पात पात में पात, क्यों संतों के पात के बात बात में बात, वही बात मैं बोला और समझो तब राहत कड़ी लग गई, और यही बोले ये बोले तो नहीं लगाया। तब पूछा कहा महाराज आप सही बात बताओ। तब उन्होंने कहा देखो राजन सही बात तो यही है कि आप यहाँ के राजा हो और ये आपका अन्य सिपाही है, तो आपके पात्रों में पावर थी, शक्ति थी, और मैं यहाँ के लिए एक तरह से नया हूँ, यहाँ के लिए आपके लिए अमीशन जो महात्मा भले पूछा, लेकिन इसके लिए तो आप ही मालिक हो। तो वही बात मैंने कहा और हटकड़ी नहीं लगाई, वही आपने कहा। पावर, पावर जिसको रहती है वही जो कहता है वही कार्यान्वित होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नाम के लिए जो आदेश होता है जिसको, उसी नाम को सुनने से करने से अनि फायदा होता है, वही फलता और फूलता ना है। नाम नाम देखो प्रेमी दो तरह का होता है, एक मुँह से लेने वाला नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम है, और मुँह से लेने वाला नाम भी महात्मा ही लगाते हैं, समय समय पर उस नाम से काम लेते हैं, लोगों को विश्वास होता है, जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, जैसे वाहेगुरु नाम, जैसे सत्साहम नाम, राधा स्वामी नाम, ऐसे ही जय गुरुदेव नाम है। जय गुरुदेव नाम में भी शक्ति है, पावर है, ताकत है, पूरी ताकत है, लेकिन कितनी ताकत है, उतनी ताकत है कि जैसे किसी लोहा के ऊपर जंग लगा हो, मोचा लगा हो, गंदगी लगी हो, तो एक रेगमाल होता है, उसको आप रगड़ दो तो आप ये समझो कि वो मैल छूट जाए। पत्थर साधारण पत्थर है, उसको रगड़ दो लोहा के ऊपर तो वो मैल छूट जाएगी, वो जंग छूट जाएगा जो उस पर लगा हुआ है, लेकिन वो पत्थर जिसको पारस पत्थर कहा जाता है, लोहा जब उससे छुएगा तब सोना बनेगा, सोना तब बनेगा। तो आप ये समझो पावर उस नाम में आएगी जो इसको खींच कर ले जाएगी किसको, जीवात्मा को, जो ये ध्वन्यात्मक नाम है। लेकिन इस नाम से भी आपको फायदा मिलेगा, कोई बीमार रहते हो, मुसीबत में तकलीफ में पड़ जाओ, जय गुरुदेव नाम बोलना, जय गुरुदेव नाम बोलने की आदत डालो, घर में बीमारी रहती हो, तकलीफ रहती हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, वैमनस्का कंधे विचार आते हो, तो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलो, उससे इसमें तकलीफ आपको मिलेगी, लेकिन ये तो तकलीफ दूर होगी जय गुरुदेव नाम बोलने से दुनिया की, और ये जो आत्मा की मरने जीने की तकलीफ है, ये जो जन्मने मरने की तकलीफ है, ये जो पांच नाम बताऊंगा आपको उससे दूर होगी, उससे तकलीफ जाएगी। तो यह है पांच नाम, तो आपको बताया जिनका नाम होता है, उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है, उनकी आवाज होती है, जैसे आपका नाम, आपका रूप, ये चेहरा, आप कहीं रहते हो, आपका स्थान, और आप बोलते हो आवाज, ऐसे ये पांच हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा, आप इसको याद कर लेना, कागज ले लेना, जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, लिख कर भी नए आदमी को मत देना। दूसरी चीज आपको समझो, आँख से देखने को कहते हैं ध्यान,
और कान से शून्य को कहते हैं भजन। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ध्यान और भजन, समझाऊंगा, करा के भी आपको अभ्यास भी करा के बताऊंगा कि इस तरह अभ्यास किया जाता है। तो जब इसी तरह से आप करोगे, लगातार करते रहो, मन को रोकोगे, तब अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ सुनाई पड़ेगा, मस्ताना बाजा सुनाई पड़ेगा, मधुर मधुर आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। हर तरह की चीजों को आप देखो, ये रामलीला रसलीला जो आप देखते हो, ये तो सब वहाँ की नकल है। वहाँ तो 24 घंटे रामलीला रसलीला होती रहती है, चलता ही रहता है 24 घंटे। ये टीवी और ये जो अन्य समझो यहाँ का यंत्र है, ये खराब भी हो सकता है, लेकिन वहाँ कोई खराब नहीं, कोई खराबी होती ही नहीं, कभी बिजली फेल होती नहीं, उजाला ही उजाला। वहाँ कोई पावर हाउस है कि कोई वहाँ हाइड्रोजन हाइड ट्यूबलाइट जलाना पड़ता है? वहाँ तो अंधेरा होते ही नहीं, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछ कहिए दिया घर बरती, कोई जरूरत नहीं दिया चिराग की। तो जब जाओगे रोशनी तो सब दिखाई पड़ेगा, जैसे अंधेरे में रहो न दिखाई पड़े, उजाले में चले जाओ दूर तक दिखाई पड़ता है, ऐसे ही दिन में भी अंधेरा, यहाँ आंख बंद कर लो तो दिन में भी अंधेरा है और रात में अंधेरा तो है ही है। तो जब उजाले में जाओगे, प्रकाश में जाओगे, तो दिखाई पड़ेगा, और जब दिखाई पड़ेगा अच्छा लगेगा, तो खुश होकर के दूसरों को बताने लग जाओगे, और जैसे ही बताओगे तैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज न दिखाई पड़ेगी न सुनाई पड़ेगी, कुछ नहीं दिखाई सुनाई आपको पड़ेगा। इसलिए आप बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े सुनाई पड़े तो बताना मत, और लगे रहोगे अगर बराबर रोज करते रहोगे तो दिखाई भी पड़ता है सुनाई भी पड़ता है। अब ये जरूर है कि कोई गूंगा है और गूंगा को बहुत बढ़िया मिठाई खिला दो, मीठी मीठी खिला दो, स्वादिष्ट खिला दो, तो क्या बताएगा कि किस तरह का है। ऐसे ही समझो कि जब नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा, तो जल्दी विश्वास नहीं होता है। इसलिए जब करने लग जाओगे तो आपको विश्वास भी हो जाएगा और आनंद भी आएगा, मस्ती भी आएगी, लेकिन बताना मत किसी को। अगर ध्यान नहीं दोगे आप तो आज आपको बता के जा रहा हूँ, यहाँ हाथिन आने समय लोग कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, ये प्रेत योनियों में चले जाएंगे, पेट बड़ा होता मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।